Welcome you all in chemistry class. Myself Dr. Anjali Saxena. We will discuss graphite today. Graphite is an allotropic form of carbon atom. Graphite carbon की allotropic form है. Allotropic form यानी कि जब कोई element एक से ज्यादा form में पाया जाता है और उन सभी फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी एलोट्रॉपी कहलाती है, जबकि जो फॉर्म्स हैं वेरियस फॉर्म्स वो कहलाती हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म. इसी तरीके से जो कार्बन है उसकी तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म है. फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फ्लोरीन. तो आज हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट की स्टडी करने जा रहे हैं कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ग्रेफाइट की एप्लीकेशंस क्या हैं. तो ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है कार्बन का. समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जितने भी कार्बन होते हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ये जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं. यानी कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन हेक्सागन की फॉर्म में और लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से. आप देख सकते हैं ये जो है ये कार्बन है. इसमें जनरली एक कार्बन जो होता है अपने सराउंडिंग में तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है. आप अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन दो इन कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि इसके एडजेसेंट हैं और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि थर्ड कार्बन जो होगा वो दूसरी लेयर का होगा और ये आपस में वीक वांडरवाल फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं. कुछ इस तरीके से. तो ये कार्बन है जो हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और ये हेक्सागोनल रिंग्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. ये कार्बन दो इन कार्बन से अटैच है जो कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है और जिनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो थर्ड कार्बन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.40 एंगस्ट्रॉम. इसमें एक कार्बन जो भी कार्बन है वो दो इस तरीके से आप देख सकते हो, जनरली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये इनकी बॉन्ड लेंथ है. इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं. पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. जो ग्रेफाइट है उसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से हर एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल वैकेंट है. देख सकते हो आप हर एक कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है. ये पी ऑर्बिटल जो वैकेंट है ये आपस में ओवरलैप करने के लिए अवेलेबल है. तो इसमें क्या होता है, ये आपस में जैसे कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी जिससे पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहेगा. तो जो ग्रेफाइट है उसमें इलेक्ट्रॉन की ये जो मूवमेंट है यही रेस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए. तो अगर हम मेनली देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि ये जो दो लेयर के बीच में वीक वांडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट हैं. वीक वांडरवाल फोर्सेस जो कि सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आपने देखा था, ये सेकेंडरी टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. ये जो वीक वांडरवाल फोर्सेस हैं इनकी वजह से दो लेयर्स जो होती हैं आपस में फ्लेक्सिबल इन नेचर होती हैं. फ्लेक्सिबल इन नेचर होने की वजह से ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है.
तो इसका लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का क्या रीजन है, दैट इज ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ये है वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ये है हेक्सागन्स जो कि लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से क्या हुआ, दीज लेयर्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर होने की वजह से इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। जो ग्रेफाइट है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का एक एग्जाम्पल और है, दैट इज मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड। जो मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड होता है ये भी एक सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है, ग्रेफाइट भी एक सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है, बट मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड को हम हायर टेम्परेचर पर एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है हायर टेम्परेचर पर, अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इस टेम्परेचर पर भी हम ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ बेटर ल्यूब्रिकेंट देन मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड। एक बार यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा भी गया था, वाई ग्रेफाइट इज अ बेटर ल्यूब्रिकेंट देन मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड। सो ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड ऑन हायर टेम्परेचर ऑल्सो, वाइल मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड ऑक्सीडाइज ऑन हायर टेम्परेचर, दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ बेटर ल्यूब्रिकेंट देन मॉलीबिडनम डाइसल्फाइड। नाउ इट्स एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? आप देख सकते हैं, आपको समझाया गया कि भाई ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हुआ, इट कैन बी यूज्ड एज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। इट कैन बी यूज्ड एज अ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन के और भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, डायमंड और फ्लोरीन। डायमंड आप जानते हैं वो कंडक्टिंग इन नेचर नहीं होता है, फ्लोरीन भी कंडक्टिंग इन नेचर होता है, कार्बन जो है दैट इज अ कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट में कार्बन हेक्सागन की फॉर्म में प्रेजेंट है, हेक्सागन रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये रिंग्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है और दो लेयर आपस में वीक वैन डेर वाल फोर्सेस के थ्रू अटैच हैं। इनकी कुछ एक बॉन्ड लेंथ है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम, जबकि दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है 3.40 एंगस्ट्रॉम। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी दो तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी एंड ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी एंड ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये कंडक्टिंग नेचर शो करता है, जबकि दो लेयर के बीच में वीक वैन डेर वाल फोर्सेस होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं लेयर्स आपस में, जिसकी वजह से ये ल्यूब्रिकेंट की तरह शो ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी यूज करता है और ल्यूब्रिकेंट की तरह हम इसका एप्लीकेशन में यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेफाइट। थैंक यू।